गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए क्लास प्रारंभ हो गया है, जो कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से है, जो कि संविधान के इम्पोर्टेंट क्लास है। आज इसे स्टार्ट हो गया है, 10 जून से प्रारंभ होने वाला था, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे एसएससी, रेलवे, व्यापम, ग्रुप डी, ये सभी एग्जाम में, जैसे आगामी एग्जाम जैसे छात्रावास अधीक्षक हो गया है, एडी हो गया, सभी में संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बगल में जो नोटिफिकेशन की आईडी रहती है उसको प्रेस कर ऑल पर सेट कर दीजिएगा। जब भी मैं संविधान से संशोधन से वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संविधान संशोधन के पहला टॉपिक है हमारा, पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची में, यानी कि पहला संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो 1951 में। कौन सी सूची में? 9वीं अनुसूची में। देखिए मूल संविधान संशोधन में केवल 8 अनुसूचियां ही थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियां। साथ में कॉपी पेन नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से, जो कि एग्जाम में एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, याद करते चलिएगा। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12, याद करते चलिएगा। इसके बाद आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा संविधान संशोधन से, जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस वर्ष का, टॉपिक वाइज कराते चलूँगा। पहले आज का थ्योरी क्लासेस समाप्त करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। आपको कमेंट करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, थ्योरी क्लास आप पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा। चलिए पहला संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, चलिए देखिएगा। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में 1951 में लागू की गई थी, किसके लिए? भूमि सुधार से संबंधित के लिए। किसके लिए? भूमि सुधार से संबंधित के लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 52वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में लागू की गई थी? 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची? 10वीं। कॉपी पेन नोट करते चलिएगा, या फिर वीडियो को एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, आपको समझ में नहीं आता तो डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए देखिए 1985 में दल बदल पर अंकुश के लिए लगाया गया था। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 11वीं अनुसूची में लागू की गई थी। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था, जो कि सन 1992-93 में लागू की गई थी। अब 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो 12वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची है? 12वीं। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची है, और कौन सा है? 1992-93 सन, आप याद रखना। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। देखिए प्रीवियस वर्ष में प्रश्न ऐसे बनता है कि 12वीं, देखिए 74वां संविधान संशोधन किसे लागू किया गया है, तो 12वीं अनुसूची है और नगर पालिका से संबंधित है। अगर देखिए 73वां संविधान संशोधन पूछ लिया तो आप बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 7वां। जी बिल्कुल, 7वां संविधान संशोधन देखेंगे 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति पश्चात, भाग क, ख, ग और घ, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 वर्गों में की गई थी, और इनके स्थान पर 14 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति दी गई थी। कितने राज्यों को? 14 राज्यों को एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद जो है देखिए क्लास कंटिन्यू करते जाइएगा, आपको 7 जून से यह टॉपिक स्टार्ट हो गया है। आज 10 जून है, जो कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से है, जो कि सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए
याद करते चलिएगा, अगर याद नहीं होता तो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, दो बार देख लीजिएगा, उससे भी आपको याद नहीं होता तो ट्रिक लगाइएगा, अगर ट्रिक से भी याद नहीं होता तो दो तीन बार वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए, दसवां संविधान संशोधन की बात करें तो दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश में दर्जा दे दिया गया है। देखिए, दसवां संविधान संशोधन में क्या बोला गया है कि दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। बारहवां संविधान संशोधन की बात करें तो गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया है। गोवा, दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन में? बारहवां। तेरहवां संविधान संशोधन की बात करें तो नागालैंड को विशेष दर्जा दे दिया है अपनाकर राज्य को। हाँ जी बिल्कुल। चौदहवां संविधान संशोधन की बात करें, देखिए चौदहवां संविधान संशोधन की बात करें तो पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, सन आप देख सकते हैं जो कि दसवां है 1961, उसके बाद बारहवां 1962, तेरहवा है 1962 और चौदह है 1963। ठीक है, चलिए आगे क्लास देखते हैं। इसके बाद इक्कीसवां संविधान संशोधन से देखिए, इक्कीसवां संविधान संशोधन कहता है कि सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में पंद्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए 21वां संविधान संशोधन कहता है कि सिंगी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। कौन सी भाषा में शामिल किया गया है? 15वीं भाषा के रूप में। मूल संविधान की बात करें, देखिए मूल संविधान में केवल 14 ही भाषा थी। कितनी भाषा थी मूल संविधान में? 14। बाद में 8 भाषाओं को संशोधन करके शामिल किया गया है। तो वर्तमान में भी कितनी अनुसूची है? देखिए संविधान में प्रश्न बनता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो आप बताएंगे कि वर्तमान में 8 अनुसूची है जो कि 22 भाषा है। कितनी अनुसूची है वर्तमान में? 8 अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल की गई है। मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14। बाद में 8 भाषा को क्या किया गया है? संशोधन। देखिए यहाँ पर बाद में 8 भाषा को संविधान 8 भाषा को संशोधन करके शामिल किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब 21वां संविधान संशोधन की बात करें तो सिंगी भाषा 1967, 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुर और कोंकणी 1972, 92वां संविधान संशोधन में क्या क्या शामिल किया गया? बोडो, डोंगली, मैथिली और संस्थाली 2003 में। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है 92वां संविधान संशोधन जो कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संस्थाली चारों भाषा को 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अब यह प्रश्न संविधान में अक्सर पूछा जाता है कि 92वां संविधान संशोधन में क्या शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, अगर आपको चारों चीज़ें याद रहेगी तो आप बता सकते हैं कि कौन सा शामिल किया गया है, कौन सा शामिल नहीं किया गया है। ये प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 92वां संविधान संशोधन, जो कि क्या क्या शामिल है बताइए। चलिए, बोडो याद करते चलिएगा, साथ में डोंगरी, मैथिली, संस्थाली चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। कौन से सन में? 2003 में। चलिए अगला देखेंगे। अगला है 22वां संविधान संशोधन। अब 22वां संविधान संशोधन कब लागू किया था? 1969 में। कब लागू किया गया था? 1969। इसके द्वारा असम से अलग अलग करके नए राज्य मेघालय बनाया गया है।
ठीक है, देखिए 7 जून से हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है संविधान संशोधन की, जो कि आपको एडीओ और छात्रावास अधीक्षक की तैयारी आपको कराया जा रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस कराया जाता है, कुछ दिनों देखिए कुछ कारणवश 1-2 दिन क्लास नहीं हुआ है ना। चलिए, संविधान की क्लास 8 और 9 जून को नहीं हुआ है, इसलिए आज हम 10 जून से प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर बोला गया है 36वां संविधान संशोधन किसके अंतर्गत आता है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया है? 22वां राज्य 1975 में 36वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। ठीक है जी, 22वां राज्य बनाया गया है। चलिए अगला देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन इसके द्वारा संविधान के व्यापक परिवर्तन लाए गए हैं, जिस कारण इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि लघु संविधान किसे कहा गया है, तो लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा गया है, जो कि 1976 में लागू की गई थी। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से? पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है एकता और अखंडता। इसके अंतर्गत आपको 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मिलता है। किसके अंतर्गत? 10 मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन से समाजवादी है? देखिए संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कितने शब्द? 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। याद कीजिएगा संविधान की प्रस्तावना में, देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ठीक है, इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है, जिनका वर्णन संविधान के कौन से भाग में मिलता है? 4A संविधान में। कौन से अनुच्छेद में? 51। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 51A में। ठीक है, 51A में मिलता है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल स्टार्ट करेंगे संविधान के, जो कि इसके आगे पार्ट देखेंगे, कौन सा वाला? ये वाला देख लीजिए आप, ये 44वां संविधान संशोधन प्रारंभ करेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही है ना। देखिए क्लास 1 स्टार्ट हो चुका है, कल से सेकंड क्लास स्टार्ट होगा 11 जून से। ठीक है, 11 जून से सेकंड क्लास स्टार्ट होगा संविधान संशोधन से, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कल से क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए